Welcome students, guys, teachers, parents, friends. So, how are you all? Welcome all of you to my channel, okay? So today, we are learning the second lesson of our e-book of level 1. So let's remove our e-book, okay? This is our e-book. And let's remove our abacus. This is our abacus. चलो सबसे पहले एबेकस निकाल लेते हैं. ये हमारा एबेकस, ये हमारी पेंसिल. तो पिछली मतलब फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, ये. और हमने क्लास वर्क के 3 पेजेस किए थे. कितने? 3. ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. और एक क्विज भी था वहाँ पे. ओके, तो अब फिर हमने बाद में होमवर्क किया था सेकंड लेक्चर में, सेकंड क्लास में. वो था स्पीड राइटिंग का. स्पीड राइटिंग वैसे हमने किया नहीं था, पर अगला जो क्लास रहेगा होमवर्क का वो रहेगा सेकंड लेसन का. उसमें हम स्पीड राइटिंग भी कर लेंगे. ओके, तो हमने होमवर्क में 2 पेजेस किए थे. ये पहला नहीं, 3 किए थे लगता है. तो ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. ओके, और अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है लेसन सेकेंड. ओके, लेट स्टार्ट इट इस क्लास वर्क. यहाँ पर हमें कितने पेजेस? तो यहाँ पे हमें 4 पेजेस करने हैं. ओके गाइज, तो चलो शुरू करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. तो गाइज ये देखो, अभी ये जो हमारा सेकंड लेसन है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है. ये ऐसे जूम कर लो पहले. ये ऐसे कुछ लग रहा है, मतलब ये कितने है? 5 + 1 = 6. ओके, जूम करके लिखना. यहाँ पे +6 लिखा है, तो प्लस हमें साइन कंपल्सरी डालने की ही है. ओके, +6. यहाँ पे कुछ ऐसे है, मतलब 5 + 2 = 7 + 7. ये होगा ऐसे, मतलब 5 + 3 = 8 + 8. ये होगा ऐसे, मतलब 5 + 4 = 9 + 9. अगर आपने मेरी पहली क्लासेस थोरोली स्टडी की होगी तो आपको ये पटाक से समझ में आएगा. ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ये है हमारी एरो. चलो स्टार्ट करते हैं. अब पहला क्वेश्चन है A1 का. इसमें बोला गया है 6 + 1 - 1. 6 + 1 - 1 कितने बचे? 6. लिख लो 6 + 2 - 3 कितने बचे? 6. 5 + 3 - 2 कितने बचे? 6. अरे सारे 6 ही क्या? 6 - 5 + 5 = 6. अरे बाप, सारे 6 ही लगता है. 6 + 1 + 2 नहीं, ये 6 नहीं, ये 9. ओके, 7 - 5 + 5 ये 7. 7 + 1 - 1 कितने बचे? 7. 1 - 7 - 1 कितने बचे? 7. 7 - 2 + 1 कितने बचे? 6. 2 + 7 - 2 कितने बचे? 7. तो मुझे तो लग रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 मिनट्स के अंदर ही सारा खत्म हो चुका है. और ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा स्कोर लिखने का है. मतलब अभी इसमें जो हमारे राइट या रॉन्ग आए होंगे, अगर हमारे रॉन्ग आए होंगे तो इसमें से -1 कर लेंगे. ओके, तो अभी तो ये सब तो राइट ही है. तो चलो नेक्स्ट रो की तरफ. ये है हमारी बी रो. तो इसमें हम करने वाले हैं कि 8 + 1 - 2 कितने बचे? 7. 1 + 8 - 3 कितने बचे? 6. 6 + 2 + 1 कितने बचे? 9. 8 - 1 + 2 कितने बचे? 9. 7 - 5 + 7 कितने बचे? ये भी 9. 9 - 4 + 1 कितने बचे? 6. 7 - 2 + 3 = 8 - 3 + 2 कितने बचे? 7. 6 + 2 - 1 कितने बचे? 7. अब ये 9 - 3 + 2 कितने बचे? 8. ओके, तो हमारा ये बी रो भी खत्म हो चुका है लगभग. अब ये सी रो की ओर आते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो इससे भी काम बन जाएगा, पर आपको थोड़ा अपना ब्रेन जो है वो शार्पन करना पड़ेगा. ओके, सो इसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते होंगे, अगर आप बुक में लिख रहे होंगे, अगर ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप घर पे ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ओके, तो चलो जीरो करते हैं. 7 + 1 + 1 कितने हो गए? 9. ये आपको विजुअलाइज भी करता आएगा, पर वो हमारे नेक्स्ट क्लासेस में होंगे. ओके, हम सारे क्लास लेने वाले हैं. अरे बस हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो 8 + 1 - 2 कितने बचे? 7. 9 - 5 + 5 कितने बचे? 9. 6 + 3 - 1 कितने बचे? 8. 8 - 5 + 1 कितने बचे? 4.
2 plus 7 minus 1 कितने बचे 8 9 minus 5 plus 5 कितने बचे 9 5 plus 4 9 9 minus 4 plus 2 कितने बचे 7 8 minus 3 plus 2 कितने बचे 7 7 plus 2 minus 1 कितने बचे 8 तो चलो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज तो कंप्लीट हो गया है सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड पेज ओके लेट्स स्टार्ट तो गाइस यहाँ पे देख लो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये वैसा ही है जो हमने फर्स्ट पेज पे किया था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेसन ओके तो ये वाला जो अब ये देखो ये यूनिट है आपको मैंने पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी बताया था कि ये जो है ना ये यूनिट है ये टेंस ये हंड्रेड ये थाउजेंड ये टेन थाउजेंड ये लाख ये टेन लाख मतलब टेन लाख तक वैल्यू आप निकाल सकते हो ओके तो चलो ये यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड पर सिक्स है ऐसे सिक्स है ये तो फिर ये कितने बन गए फाइव प्लस वन सिक्स और ये यहाँ पे टेंस प्लेस पे है मतलब कितने बचे कितने हो गए सिक्स सिक्सटी ओके यहाँ पे प्लस सिक्सटी लिख देंगे हम ये कुछ ऐसा है तो फाइव प्लस टू सेवन सेवन टेंस पे है तो कितने हो गए प्लस सेवेंटी ये कुछ ऐसा है मतलब 5 प्लस 3 8 8 के कौन से यूनिट पर है ये टेंस यूनिट पर है मतलब क्या हो गया 80 प्लस 80 ये प्लस 5 प्लस 4 कितने हो गए 9 9 कौन से यूनिट पर है 9 टेंस यूनिट पर मतलब 90 ओके प्लस 90 तो अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रो ए रो ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन ए वन सेकेंड पेज का 60 प्लस 7 प्लस 1 60 प्लस 7 प्लस 1 कितने हो गए 68 3 प्लस 60 प्लस 1 कितने हो गए 91 91 5 प्लस 61 प्लस 2 कितने हो गए 68 ध्यान से स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिए क्योंकि मैं हर कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हर लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ तो अगर फिर भी आपको ये सम्स नहीं आ रहे हैं तो आप थोरोली क्या करें मेरे जो फर्स्ट और सेकंड वो लेक्चर्स हैं उसे आप पढ़ लीजिए उसे आप ध्यान से देख लीजिए सुन लीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसे कर लीजिए आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी 100% लिख लो ओके 70 प्लस 8 प्लस 1 कितने हो गए 79 2 प्लस 70 प्लस 5 कितने हो गए 77 1 प्लस 3 प्लस 70 कितने हो गए 74 8 प्लस 61 माइनस 5 कितने हो गए 64 70 प्लस 9 माइनस 3 कितने हो गए 76 3 प्लस 75 प्लस 1 कितने हो गए 79 69 माइनस 4 प्लस 2 कितने हो गए 67 अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रो ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं 80 प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए 88 एक काम करता हूँ अब ये जो रो है ना ये मैं मेरी स्पीड से रहता हूँ ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं 2 प्लस 81 प्लस 5 88 4 माइनस 2 प्लस 85 इक्वल्स टू 87 90 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 99 99 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 96 3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 19 इक्वल्स टू 99 6 प्लस 83 माइनस 5 इक्वल्स टू 84 1 प्लस 75 प्लस 2 इक्वल्स टू 78 92 प्लस 1 माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 98 65 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 68 ये रही मेरी स्पीड अगर आप डेली से डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसी स्पीड एक्वायर कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रो चलो स्टार्ट करते हैं 72 72 प्लस 1 प्लस 5 कितने हो गए 78 94 प्लस 5 माइनस 3 कितने हो गए 96 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ ओके स्टूडेंट्स आपको पूरा का पूरा समझ में आया इसलिए मैं ये स्पीड एक बार कर रहा हूँ ओके 93 प्लस 1 माइनस 4 कितने हो गए 60 86 प्लस माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 87 75 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 76 98 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 94 82 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 84 66 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 64 87 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 83 93 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 99 तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये सेकेंड वाला जो पेज है वो भी ख़त्म हो चुका है अब ये है हमारे लास्ट दो पेज ओके तो चलो लेट्स मूव टू आवर थर्ड पेज चलो स्टार्ट करते हैं अब ये देखिए ये तो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ लिया था ये अगर ये भी ऐसे है हम इसमें ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हुआ प्लस सेवन ओके
प्लस 7 हो गया और ये पहले से ही 7 है। हम इसमें से ऊपर का बीड ऊपर कर रहे हैं और नीचे का एक बीड नीचे कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे कर रहे हैं। ओके, मतलब 7 माइनस 1 कितने हो गए 6, मतलब 7 से हमने 6 माइनस कर दिए तो कितने बचे 1। ओके, अब ये भी वैसे ही है, प्लस 9 माइनस 8, माइनस 8 करेंगे तो कितने बचेंगे 1 बचेंगे, यहाँ पे कितने 1। ओके, ऐसे ही है, बहुत ईजी है। तो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट रो। ये है थर्ड पेज का ए रो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। मेरी हैंडराइटिंग इतनी मतलब अच्छी नहीं है, पर मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि आप समझ लें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरा रो। 6 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 9 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 7 माइनस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 7, 9 माइनस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 5 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, 8 माइनस 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 9, 5 प्लस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमारी ये रो भी लगभग खत्म हो चुके हैं और लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पेज बी रो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 8 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, 5 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और 8 प्लस 1 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 4 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 9, 3 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 8। तो चलो नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो ये हमारी थर्ड पेज की सी रो। ओके, स्टार्ट इट। 3 प्लस 6 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 2 और 9 माइनस 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 7, 5 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 9, माइनस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 1 प्लस 8 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 4 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 8 माइनus 6 plus 5 equals to 7, 2 plus 7 minus 9 equals to 0, 9 minus 8 plus 3 equals to 4। चलो, मैं जब भी बोर होता हूँ तो मैं समझ में नहीं आता मैं क्या क्या करता हूँ। क्या, तो चलो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट पेज। तो अब हमें यहाँ पे वही बोला है, पर ये हमें टेंस यूनिट पे बोला है। ओके, मतलब कुछ ये देखिए, ये ऐसे है, मतलब 80 मतलब हम प्लस 80 कर रहे हैं और उसमें से माइनस 70 कर देंगे तो कितने बचे 10। ओके, तो यहाँ पे कितने बचे 10 ही बचे है। अब हम वापस से 80 प्लस कर रहे हैं और वापस से 60 माइनस कर रहे हैं, कितने बचे 20, यहाँ पे कितने बचे 10 20। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रो। ये हमारी फोर्थ पेज की ए रो। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है ए। ओके, 80 माइनस 60 प्लस 5, अब यहाँ पे टेंस यूनिट पे बताया गया है 80 माइनस 60 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। अब 70 प्लस 9 माइनस 70, 70 प्लस 9 माइनस 70 इक्वल्स टू कितने हो गए 9, 90 माइनस 80 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, 80 प्लस 9 माइनस 70 इक्वल्स टू 19, 90 प्लस 3 माइनस 60 इक्वल्स टू 33, 80 प्लस 5 माइनस 80 इक्वल्स टू 5, 90 माइनस 7 प्लus 4 इक्वल्स टू 24, 90 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 18। ओके, अब 85 माइनस 60 प्लस 3 इक्वल्स टू 28, 87 प्लस 2 माइनस 70 इक्वल्स टू 19। तो चलो गाइज, हमारी ये रो भी खत्म हो चुकी है। तो इन दोनों रो में से कौन सी रो ज़्यादा हार्ड लग रही है आपको, बता दीजिए कमेंट सेशन में, ज़रूर बताना। मुझे तो इन दोनों में से लास्ट वाली रो हार्ड लग रही है, तो मैं लास्ट वाली रो जो है वो मेरी स्पीड से करूँगा। अभी तो हम ये वाली रो आपकी लेवल से करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेली से डेली प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी जैसे स्पीड अक्वायर कर लोगे आप भी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 55 प्लस 40 माइनस 70 इक्वल्स टू 25, 36 प्लस 60 माइनस 80 इक्वल्स टू 16,
90 माइनस 10 माइनस 50 इक्वल्स टू 20 78 प्लस 20 माइनस 80 इक्वल्स टू 18 99 माइनस 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 49 53 प्लस 40 माइनस 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 23 40 प्लस 58 माइनस 90 इक्वल्स टू 8 77 प्लस 20 माइनस 60 इक्वल्स टू 37 66 प्लस 30 माइनस 80 इक्वल्स टू 16 88 माइनस 10 माइनस 90 इक्वल्स टू 8। चलो अब वक्त आ चुका है मेरी स्पीड से करने का, वो भी लास्ट रो। चलो स्टार्ट करते हैं मेरी स्पीड से। चलो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। 86 प्लस 10 प्लस 71 इक्वल्स टू 95 92 प्लस माइनस 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 299 माइनस 80 89 प्लस 30 इक्वल्स टू 40 34 प्लस 50 माइनस 72 इक्वल्स टू 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 197 96 प्लस 10 माइनस 75 इक्वल्स टू 150 प्लस 30 माइनस 80 इक्वल्स टू 99 97 प्लस 80 इक्वल्स टू 40 281 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। ओके 32 लास्ट आंसर। ओके तो स्टूडेंट्स ये रही मेरी स्पीड। मैंने यहाँ पे सारे के सारे 10 टू 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग, जब मैं फास्ट करता हूँ तो मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी आती है। मेरी ऐसा कुछ नहीं, मेरी पहले से ही गंदी हैंड राइटिंग है, ये मुझे भी पता है, पर अगर मैं ये डेली प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो मैं इसके साथ साथ मेरी भी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ और आपकी भी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। ओके तो ये हमारे 4 to 4 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और मैं वापस से आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये देखिए, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप में चेंज आएगा ही आएगा। ओके आप में चेंज आएगा ही आएगा। ओके तो मैं और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स ये देखिए, मेरी एक वीडियो बनने में टोटल 2 डेज लगते हैं। कितने? टोटल 2 डेज। और एक 1 डे में मैं मेरी वीडियो को बनाता हूँ, सेकेंड डे में मैं मेरी वीडियो को एडिट करता हूँ, फिर बाद में आपको थर्ड डे को आपको अपलोड कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स तो इतने टाइम लगता है मुझे, तो मेरी 2 दिन की महनत के लिए आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं किसी को खुश करने के लिए। ओके तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके क्या चाहिए के साथ मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, आपको कैसे सिखाना चाहिए। ओके तो अब हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लेसन का होमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड लेसन का होमवर्क ई बुक लेवल नंबर 1। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।